हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। हम पढ़ रहे थे संस्कृत और संस्कृत में हम कारक पर चर्चा कर रहे थे। हमने कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का अभितय परितय समय निक्षाह प्रतियोगी अभितय परितय समय निक्षा हा प्रतियोगी अपी सूत्र के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है और आज हम कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का ही अगला सूत्र काल अवधानोर अत्यंत श्योंगे। कौन सा सूत्र? काल अवधानोर अत्यंत श्योंगे। काल अवधानोर अत्यंत श्योंगे जो कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति का ही सूत्र है। सूत्र क्या है? काल अवधानोर अत्यंत श्योंगे। अत्यंत मीन्स अत्यंत, अत्यंत मीन्स होता है निरंतर। अत्यंत मीन्स निरंतर, श्योंग मीन्स श्योंग। निरंतर श्योग होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। निरंतर संयोग होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। काल यानी समयवाची, काल मीन्स समयवाची और अध्वन मीन्स मार्गवाची, अध्वन मीन्स मार्गवाची। और अत्यंत श्योंग, अत्यंत श्योंग मीन्स निरंतर श्योग, अत्यंत संयोग मीन्स निरंतर संयोग। काल अत्यंत संयोग। समयवाची, काल यानी समयवाची के बारे में हम उदाहरण के बारे में हम डिस्कस करते हैं। काल अत्यंत संयोगे। नंबर एक, मासम अदित्य पूरे महीने भर पड़ता है। मासम अदित्य पूरे महीने भर पड़ता है। नंबर दो, स द्वादश वर्षाणि व्याकरणम अपठत। स द्वादश वर्षाणि व्याकरणम अपठत। उसने 12 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। द्वादश माने 12, 12 वर्ष तक क्या पढ़ी? व्याकरण पढ़ी। उसने 12 वर्ष तक व्याकरण पढ़ी। स द्वादश वर्षाणि व्याकरणम अपठत। उसने 12 साल तक व्याकरण पढ़ी। नंबर तीन, मासम कल्याणी महीना भर कल्याणकारी है। मासम कल्याणी मीन्स महीने भर कल्याणकारी है। नंबर चार, सह दिने दिनम सौपीति वह दिन भर सोता है। सह दिनम सौपीति वह दिन भर सोता है। नंबर पाँच, मासम गुड़धाना, मासम गुड़धाना महीने भर गुड़धानी खाता है। मासम माने महीने भर, गुड़धाना गुड़धानी खाता है। मासम गुड़धाना महीने भर गुड़धानी खाता है। अध्वन अत्यंत श्योंग, अध्वन अत्यंत श्योंग निरंतर श्योंग। अध्वन मीन्स मार्ग, अत्यंत माने निरंतर, श्योग माने संयोग, अध्वन मीन्स मार्ग। तो मार्गवाची शब्दों के उदाहरण देखते हैं हम। मार्गवाची शब्दों के उदाहरण कौन कौन से हैं? कोस भर तक नदी टेढ़ी है। क्रोशम नदी कुटिला अस्ति, कोस भर तक नदी टेढ़ी है। क्रोशम नदी कुटिला अस्ति। नंबर पाँच, वह कोस भर तक अध्ययन करता है। वह कोस भर तक अध्ययन करता है। स क्रोशम अदित्य वह कोस भर तक अध्ययन करता है। स क्रोशम अदित्य। नंबर छः, कोस भर तक निरंतर पर्वत है। कोस भर तक निरंतर क्या है? पर्वत है। कोस भर तक निरंतर पर्वत है। क्रोशम गिरीर अस्ति, क्रोशम गिरीर अस्ति। कोस भर तक निरंतर क्या है? पर्वत है। तो क्रोशम गिरीर अस्ति। प्रश्न नंबर एक, काल अध्वन अत्यंत श्योंगे विभक्ति स्यात् यानी कालवाची कालवाची का अत्यंत श्योंग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीया। कौन सी व्यक्ति होती है कालवाची में? द्वितीय व्यक्ति होती है। काल माने समयवाची, समयवाची में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीया। टू इज राइट आंसर, टू इज राइट आंसर। नंबर दो, प्रश्न नंबर दो, कालस्य अत्यंत श्योंगे विभक्ति स्यात्
काल यानी समय के निरंतर संयोग होने में कौन सी विभक्ति होती है? अत्यंत यानी निरंतर, अत्यंत यानी निरंतर, समय के निरंतर संयोग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। वन इज राइट आंसर। काल अत्यंत स्योंगे विभक्ति स्यात्, समय के समयवाची के निरंतर संयोग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, अध्वन अत्यंत स्योंगे विभक्ति स्यात्, मार्गवाची के निरंतर, अत्यंत माने निरंतर संयोग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? मार्गवाची के निरंतर संयोग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। फोर इज राइट आंसर। फोर इज राइट आंसर। अध्वन अत्यंत स्योंगे विभक्ति स्यात्, मार्गवाची के निरंतर संयोग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। फोर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध वाक्यम ना अस्ति, शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य ना अस्ति, शुद्ध वाक्य नहीं है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? ये मासम अदित्य ये शुद्ध वाक्य है, क्रोशम अदित्य ये असत्य है, कोसम अदित्य ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और कौन सा गलत है? क्रोशन अदित्य, क्रोशन अदित्य, टू इज राइट आंसर। तो शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? टू। और क्या पूछा है? शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? टू इज राइट आंसर। शुद्ध वाक्यम नास्ति, मासम अदित्य ये सही है, क्रोशम अदित्य ये भी सही है, क्रोशन अदित्य ये सही नहीं है, और ये तो ही नहीं सकता, तो कौन सा होगा? टू इज राइट आंसर। टू इज राइट आंसर। रिवाइज करते हैं। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, सूत्र क्या है? सूत्र है काल अध्वन अत्यंत स्योंगे, काल यानी समय, अध्वन यानी मार्ग, अत्यंत माने निरंतर, और स्योंगे माने स्योंग, निरंतर स्योग होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। काल यानी समयवाची, अध्वन यानी मार्गवाची, अध्वन क्या होता है? मार्गवाची, अध्वन यानी मार्गवाची, अत्यंत स्योग माने निरंतर संयोग। अब काल अत्यंत स्योग, समयवाची, समयवाची के उदाहरण देखते हैं। मासम नंबर 1 उदाहरण है, मासम अदित्य पूरे महीने भर पड़ता है, मासम अदित्य पूरे महीने भर पड़ता है। नंबर 2, सह द्वादश वर्षाणि व्याकरणम अपठत्, उसने द्वादश यानी 12 साल तक क्या पढ़ा? व्याकरण पढ़ा, उसने 12 साल तक व्याकरण पढ़ा। नंबर 3, मासम कल्याणी महीने भर कल्याणकारी है, मासम कल्याणी महीने भर कल्याणकारी है। नंबर 4, सह दिनम सौपित्ति वह दिन भर सोता है, सह दिनम सौपित्ति वह दिन भर सोता है। नंबर 5, मासम गुड़धानी वह महीने भर गुड़धानी खाता है, वह महीने भर गुड़धानी खाता है। अध्वन अत्यंत स्योंग, अध्वन यानी मार्गवाची के निरंतर स्योग होने पर। नंबर 4, कोस भर तक नदी टेढ़ी है, क्रोशम नदी कुटिला अस्ति। नंबर 5, वह कोस भर तक अध्ययन करता है, सह क्रोशम अदित्य। नंबर 6, कोस भर तक निरंतर पर्वत है, क्रोशम ग्रीर अस्ति, क्रोशम ग्रीर अस्ति। प्रश्न नंबर 1, काल अध्वन अत्यंत स्योंगे विभक्ति स्यात्, समयवाची के अत्यंत स्योंग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? समयवाची के अत्यंत स्योंग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। टू इज राइट आंसर। टू इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, काल अत्यंत स्योंगे विभक्ति स्यात्, काल अत्यंत स्योंगे विभक्ति स्यात्, मार्गवाची, काल यानी समयवाची के अत्यंत स्योग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय।
वन इज राइट आंसर। काल अत्यंत श्योंगे विभक्ति स्यात्, काल यानी समयवाची के निरंतर श्योग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, अध्वन अत्यंत श्योंगे विभक्ति स्यात्, मार्गवाची, अध्वन यानी मार्गवाची के निरंतर श्योग होने पर कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। विभक्ति 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, शुद्ध वाक्य नास्ति, शुद्ध वाक्य नहीं है, तो शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? क्रोशम अदित्य। ये भी शुद्ध वाक्य है, ये भी शुद्ध वाक्य है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 2 इज राइट आंसर, 2 इज राइट आंसर, शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य नास्ति क्रोशम अदित्य, क्रोशेन अदित्य शुद्ध वाक्य नहीं है, 2 इज राइट आंसर। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।